संचालित कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक दिन पूर्व कराए गए सदस्य चुनाव को लेकर कोऑपरेटिव सोसाइटी सचिव पर गंभीर आरोप लगे हैं कि जिसमें 25 गांव के करीब 400 से ज्यादा सदस्य हैं, लेकिन सचिव ने किसी भी गांव में सूचना दिए बगैर पूर्व अध्यक्ष से मिली भगत कर अपने 11 लोगों को बुलवाकर सदस्य मनोनीत कर दिया, जिससे सभी सदस्यों में भारी रोष व्याप्त है और झिवाड़ा में संचालित जल कल्याण विकास समिति ने कोऑपरेटिव सोसाइटी के सचिव के खिलाफ कार्यवाही करने के जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि एक दिन पूर्व कोऑपरेटिव सोसाइटी के सचिव शिवचरण वर्तमान अध्यक्ष जसवंत ने कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्यों का चुनाव गलत तरीके से कर लिया। नियमों के हिसाब से सोसाइटी के सभी सदस्यों को सूचना देकर चुनाव करवाए जाते हैं, लेकिन इसके लिए सचिव ने किसी भी सदस्य को सूचना नहीं दी, बल्कि अध्यक्ष व सचिव ने अपनी साठ गांठ कर अपने ही 11 लोगों को बुलवाकर निर्वाचन अधिकारी के समक्ष फॉर्म भर दिए और उन्हें का निर्विरोध निर्वाचन कर दिया। ग्रामीणों को जब यह पता चला तो वे सोसाइटी कार्यालय पहुंचे, वहां विरोध दर्ज कराया तो उन्होंने निर्वाचन अधिकारी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि फॉर्म भरने का समय सुबह 9 बजे से 11 बजे तक का है, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। इसको सुनकर ग्रामीणों ने सोसाइटी भवन के सामने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सचिव व वर्तमान अध्यक्ष के द्वारा की गई इस मिलीभगत की शिकायत जल कल्याण समिति झिवाड़ा के द्वारा जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपकर कोऑपरेटिव सोसाइटी के सचिव के खिलाफ कार्यवाही कर चुनाव प्रक्रिया में फिर से कराने की मांग की है। कुछ पता नहीं था, न कोई सूचना चस्पा की गई, यानी कोऑपरेटिव की दीवार के बाहर भी सूचना चस्पा नहीं की गई। गांव में किसी आदमी को पता नहीं था, जब गांव में पता नहीं था तो इसमें जो 24-25 गांव शामिल हैं इस सोसाइटी में, उनको तो पता था ही नहीं। और 11 मेंबर्स के सुबह 9 से 11 चुनाव अधिकारी के यहाँ उन्होंने बाहर से गेट बंद करके और फार्म भरवा दिए और 11 अपने निर्विरोध करा दिए। तो इसका गाँव में पूरे गाँव के अंदर बहुत रोष है, गाँव वाले बहुत नाराज हैं। इसमें इसको लेकर के आज एसडीएम साहब को कलेक्टर साहब के नाम ज्ञापन दिया है। चुनाव किसने कराया है, कौन सा चुनाव? चुनाव अधिकारी हैं आभा अग्रवाल जी, उन्होंने कराया। उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा भी जो मेरी प्रक्रिया थी उसके अधीन मैंने तो करा दी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। सूचना देने का दायित्व तो किसका है गांव में, जो गांव पढ़ते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के? जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के सचिव है उनको चस्पा करना था। दो चार जगह सार्वजनिक जो स्थान है गाँव में, जैसे वो राजीव गांधी पंचायत भवन है वहाँ का। कितने गांव पढ़ते हैं लगभग सोसाइटी में? इसमें करीब 20-22 गांव पढ़ते हैं। किसी भी गांव को सूचना नहीं दी गई? नहीं, कोई सूचना नहीं, किसी भी गांव में कोई सूचना नहीं। तो ये जो आप बता रहे हैं मेंबर्स जो चुने गए हैं, ये क्या अपने अपने लोग चुन लिए गए? हाँ, उन्होंने अपने निजी आदमी को बुला करके उनके फार्म भरवा लिए और उनको निर्विरोध करा लिया। विरोध तो कोई था नहीं, किसी को पता ही नहीं जो विरोध में फार्म भरे जाते। पूर्व अध्यक्ष और सोसाइटी का जो सचिव है दोनों ने धान लिए करके। क्या नाम है उनका? पूर्व अध्यक्ष का क्या नाम है, सचिव का क्या नाम है? उसका सेक्रेटरी का नाम तो शिवचरण है। अध्यक्ष महोदय क्या नाम? उनका नाम जसवंत कुमार, जसवंत सिंह। तो गाँव वालों ने इसका विरोध जताया? गाँव वालों ने बहुत घोर विरोध जताया है वहाँ सोसाइटी ऑफिस पे। तो और किस तरह के सोसाइटी में जैसे घपले हो रहे हैं या मिली भगत करके काम किए जा रहे हैं? अब ये भी एक मिली भगत का ही उदाहरण है। हाँ, इस तरह के और क्या काम हो रहे हैं? चलते हैं यहाँ जो कोऑपरेटिव के मेंबर्स, उनको कोऑपरेटिव दी जाती है, भरते हैं तब उनसे 1000-2000 फालतू लिए जाते हैं। उनको दी जाती है तब उनको सब ये 1000 रुपये उसके बीमा के काटेंगे, ये हमें आगे देना है, ये पीछे देना है, इसलिए किसी को 2 काट लिए, किसी को 3 काट लिए। अब गरीब जो कस्टमर है वो तो बेचारा मजबूरी में, उसको जरूरत होती है। अब ठीक है भाई, काट रहे हो तो काट रहे हो, तुम क्या करें, उसकी मजबूरी उनको घुमा देते हैं, महीना महीना घुमा देते हैं। तो गरीब किसान के हक पर